टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द मजेदार शो विद आदिल फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउसमेट और सिंगर काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। वालेकुम सलाम, कैसे काशिफ भाई? ठीक ठाक ठीक ठाक, जबरदस्त, मजे में। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी थालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिल अमजद। उन्होंने मैनेज किया कुछ कैसा फील नहीं होने दिया। देखिए मैंने इस बात की जिम्मेदारी ली हुई है कि मेरे साथ जो भी हो जाए मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए काम करता हूँ और मैं करता रहूंगा। वेरी गुड। लेकिन आदि भाई ये हुआ कैसे? यार ये मुझे नहीं पता, ये बस लेटे लेटे मेरा पैर का मसल फट गया तो वो मुझे ऐसा लगा कि नस खिंच रही है, फिर दर्द हो गया। ठीक है। फिर मैं पूरी रात चीखता रहा, फिर सुबह डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि आपके पैर का ऊपर वाला मसल फट गया। मसल फट गया तो लेकिन ठीक हो जाएगा, खैर है। हाँ, फटने फटाने की बातों से मुझे याद आया कि पाकिस्तान ने इंडिया का जो हाल किया उसमें काफी लोगों के दिल गुर्दे सब फट गए। हाँ, खास तौर पे पड़ोस में काफी फटने पटाने की आवाज है। जो कह रहे थे कि जी टीवी शीवी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं माशाल्लाह। फैजान, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया ऐसी ही है। हाँ, जब भी आप अपने कॉन्फिडेंस से ऊपर निकल जाते हैं ना तो अल्लाह मियां एक बार आपको याद जरूर दिलाते हैं। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नुकसानदेह हो जाता है। जैसे शहरयार भाई डांस परफॉर्मेंस करते हैं, यार अल्लाह का वास्ता माफ कर दो उनको यार, मुझे अच्छी लगते हैं यार वो। अच्छा, शहरयार मुनव्वर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डांस करते हुए, इसलिए मैं बार बार मेंशन करता हूं। अच्छा अच्छा, जब भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी छोटी कजन की शादी का डांस हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है आदि भाई, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, चलो शुक्र है भाई, चलो शुक्र है, तबीयत खराब है लेकिन अल्लाह ने तोहफा दिया हमें। हाँ, वेरी गुड। हाँ। आदि भाई बहुत खुश होते हैं जब कोई फीमेल गेस्ट होती है, आप लोगों को पैसे वैसे ही पता है लेकिन मैं बार बार याद दिला देता हूँ क्योंकि एनर्जी में फर्क आ जाता है। आप ये देखें कि अगर लड़का आए गेस्ट और मैं खुश हूँ तो ये कहते हैं यार देखो लड़कों को देख के खुश हो रहा है, तो मैं लड़की को देख के खुश हूँ। वेरी गुड आदि भाई, आज की जो हमारी गेस्ट हैं इतना ही टैलेंटेड हैं, वो तो जाहिर सी बात है, एक्टिंग के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो मुझे समझ नहीं आया लेकिन ठीक है, बहुत मतलब इनका एक अपना बिजनेस भी है। अच्छा, अच्छा। जो कि इन्होंने रिसेंटली शुरू किया और बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी काम करती हैं बहुत जबरदस्त करती हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, खास तौर पर जो इनके स्टाइल सेंस है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। इनको बुलाएंगे, बहुत सारा तंग करेंगे, बहुत सारी थालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर कोमल असीस। मजेदार शो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों को देख के और अच्छी हो गई। अरे थैंक यू सो मच, लव द एनर्जी। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आप इतनी खूबसूरत हैं ये बात आपको पता है? ये ना बोलेगा नहीं आई एम जस्ट एवरेज गर्ल, ये नहीं कहा मैंने। आपको पता है कि आप खूबसूरत हैं? ठीक हूँ। देखा क्या कहा, यार इंसान को हम्बल होना चाहिए। नहीं नहीं आप बोले हाँ मैं हूँ खूबसूरत, ह्यूमिलिटी, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो हम बोलते रहेंगे। आप ये बोलेंगे तो आपका काम है। अच्छा ये चाहिए किसी के पैसे मिले, चले ये फाइनल, आप ये करते रहे मैं ये करती रहूंगी। ठीक है ये फाइनल हो गया कि हम नहीं बोलना। काशी भाई आप क्यों देखे जा रहे हैं उनको यार? असल में नहीं काशी भाई, असल में गेस्ट को देख के गाना डिसाइड करते हैं, इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने कौन सा गाना गाना है। चलो ऐसे ही काशी भाई, ये इसके पैसे मुझे बाजू दीजिएगा, अच्छा खासा कवर किया मैंने आपको अभी। कोमल कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। इतना जबरदस्त काम चल रहा है आप, इतनी अच्छी एक्टिंग करी, ये अचानक से बीच में एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आ गई? जो इनको नहीं पता क्या होता है ऐसे बताया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ एकदम से? बिजनेस। अच्छा बिजनेस करती हैं? हाँ बिजनेस शुरू कर दिया है। बिजनेस है तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं मीडिया कारोबार? कारोबार ऐसा तो नहीं हुआ किसी ड्रामे की तीन चार चेक एक साथ मिल गई तो आपने कहा कारोबार कर लूं मैं? नहीं नहीं सेव करना पड़ा था। तो ये पहले से प्लान था या बाद में डिसाइड किया? पहले से प्लान था, पहले से प्लान, एक्टिंग से पहले का प्लान। अच्छा तो मतलब एक्टिंग बाद में आई है? जी जी। वेरी गुड, जरा बताएं कहां से शुरू हुआ सिलसिला आपका? ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि ओ लेवल से जो है वो मैंने आप फोकस करते ना किन सब्जेक्ट्स पे, तो मैंने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ओ लेवल से लिए। तो हमेशा से बिजनेस का शौक था और पहले ये था कि मुझे कहीं जॉब करनी थी किसी मल्टीनेशनल में, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो पता चला कि जॉब करने से बेहतर है कि आपका अपना कारोबार हो। सही है, जॉब करने से अच्छा किसी घर पे पट्टा बांध के बैठ जाओ।
नहीं अच्छी जॉब्स भी होती हैं भाई, जैसे आप लोग की है, आप लोग कितनी अच्छी जॉब है। हाँ अच्छी अच्छी जॉब्स भी होती हैं, क्या मतलब है, हम बहुत खुश हैं। नहीं हमारी जॉब तो नहीं है ना, जिस जॉब की हम बात नहीं, कर ये रहे भी जॉब वैसी नहीं है वो जो होता है। अच्छा तो ये जॉब तो आपने डिसाइड कर लिया जी मैंने बिजनेस करना है, लेकिन ये वाला बिजनेस करना है ये डिसाइडेड था या ये बात? ये इस तरह से हुआ, सच बताऊं आपको कि एक्टर होने का आपको कुछ फायदा होता है, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होते हैं, तो आपने जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो आपके कपड़े देखते हैं, आपका मेकअप देखते हैं, आपके जूते देखते हैं, तो आप वही चीजें इजीली सेल कर सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेकअप का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ टीवी के लिए मेकअप करती हूँ, थैंक यू वेरी मच, लेकिन कपड़ों का मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है। और जब आप कारोबार करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस चीज का बिजनेस करें जिसका आपको जुनून हो, क्योंकि आपके ना रात के 3 बजे आपको ख्वाब में भी वही चीज आएगी, रात को भी आएगी। एंटरप्रेन्योर कभी भी ऑफ नहीं होता है, वेकेशन के बाद मसला नहीं करेगी बात, क्यों ख्वाबों में भी कपड़े आ रहे हैं, शौहर बेचारा बैठा है। तो ये तो सारी शादीशुदा औरतों को यही तो ख्वाब, और क्या, हमारे यहाँ तो औरतों को यही काम होता है, एग्जैक्टली, कि कपड़े खरीदो बस, पूछ ले सबसे, पूछ ले यहाँ पे सबकी बीवियों को रात को ख्वाबों में कपड़े आते हैं, काशी भाई की बीवी को रात को ख्वाब में काशी भाई कपड़े आते हैं ना, कपड़े ही आते हैं ना सबकी बीवियों के, काशी भाई की बेगम को कपड़े आते हैं ख्वाब में, धोने ये तो बहुत बुरी बात। मुझे ये बताएं कि ऐसा तो नहीं था कि ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा था कि मैं एक्टिंग करूंगी, मशहूर हो जाऊंगी, फिर अपने ब्रांड लेके आऊंगी। ऐसे ही था भाई, इतना प्लान था। इज आल्सो स्ट्रेटजिस्ट, स्ट्रेटजिस्ट आपने रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग करते ना, आपको कुछ बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो आप 5 स्टेप पीछे सोच के कि कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि या तो आप बहुत अमीर हो, हाँ। आपके अब्बा की कोई मिल हो, हाँ। या आप किसी बहुत बड़ी फैमिली या आपके अब्बा की से मिल रहे हो मिल रहे नहीं, मतलब नहीं, या तो आपको कोई लास्ट बड़ा फैमिली नेम हो, राइट, सही है। तो ये तो आपके पास है नहीं, तो फिर आपको अपना नाम बनाना पड़ता है, अपने पैसे बनाने पड़ते हैं, फॉर दैट एक्टिंग इज अ गुड मीडियम। अच्छा तो चलिए, ये तो आपने बता दिया कि आपने पहले से प्लान किया था कि मैं एक बिजनेस करूंगी, जब आपने देखा कि जॉब एक मुश्किल काम है, एक्टिंग का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, क्या ये भी डिसाइडेड था? बहुत शौक था, ठीक है, लेकिन डर भी लगता था कि घर वाले जो है बिल्कुल राजी नहीं होंगे, सही है, तो और कोई पीछे घर में किसी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है? एक है मेरे पापा के कजन लगते हैं, वो खालिद हफीज आते थे रेस्ट हाउस। जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे जानते? क्योंकि मैंने रेस्ट हाउस देखा है। अच्छा, गेस्ट हाउस था, रेस्ट हाउस था। उसमें उन्होंने एक खालिद हफीज ने एक वो किया था, एंड ही इज फ्रॉम माय फैमिली। अच्छा, बट उनको भी बड़ी क्रिटिसिज्म मिली थी। अच्छा, तो क्रिटिसिज्म क्यों, मतलब एज इन हमारी कहने जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें गलत समझ रहते हैं ना एक्टिंग करना, मेरे ख्याल से पहले नहीं होता था, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा सा आप लोग लड़के फिर भी बेहतर है लड़कियों को, तो नहीं नहीं ये तो खैर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल एक्सेप्टेंस आ गई है आपके घर में भी होगा थोड़ा बहुत। नहीं मेरी तो अम्मा 40 साल से काम कर रही है, मुझे हाँ, आप देखिए आपको फील नहीं होगा, क्योंकि फैमिली में ना जिनकी फैमिली में नहीं है उनको लगता है, लेकिन बाहर वालों को लगता है कि पता नहीं हम क्या करते हैं। इसका बेहतरीन हल ये कि अक्सर हमारे दोस्त भी हमें कहते हैं ना यार तुम लोगों की तो पार्टी चल रही है, हम उनको सेट पे बुला लेते हैं, जब वो देखते हैं कि हम किस तरह काम कर रहे हैं तो वो 10-15 मिनट बाद कहते हैं यार अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि लाइट्स में और इतना पसीना वगैरह, और आप आउटडोर भी कर रहे हैं, इंडोर भी कर रहे हैं, लाइंस भी मजदूर हैं, एग्जैक्टली हम मजदूर हैं, लाइंस भी याद कर रहे हैं, टाइम भी जाना है, शूट्स तो दिहाड़ी है भाई का, तो हम तो इसे कहते हैं दिहाड़ी लगा, लेबर वर्क है, बिल्कुल लेबर वर्क है, ना पंखा है ना एसी है, सेट्स हमारे होते नहीं है, आउटडोर में आप हीट, जब हीट वेव आई भी थी ना तब मैं इसी तरह के कोई कपड़े पहन के मेरा एक शो था, उसमें मुझे कन्वर्टेबल में जाना था, कन्वर्टेबल में जाना था, तो भाई गाड़ी के ऊपर सनरूफ भी खोली हुई थी पूरी की पूरी, और तैयार होके और हीट वेव है, और मैं उसमें बड़ी कूल लगी हूं गाड़ी चलाते हुए, व्यूअर्स को नहीं पता कि हमारा क्या हाल रहा था, वी कुड हैव लाइक फेंटेड और डाइड, ऐसा हो सकता था, हाँ। तो लोगों को पता नहीं है बहुत ही ज्यादा, तो ये शौक फिर आपने घर वालों से कब शेयर किया कि जी मुझे ये करना है, कितना डरते डरते और क्या रिएक्शन था? डरते डरते, मैं वैसे काफी सारे शो से बता चुकी हूँ कि मैंने शेयर नहीं किया, मैं अमेरिका से वापस आ गई, हाँ। जब मैं पढ़ती थी फिर जॉब करती थी, मैं वापस आ गई, अम्मी ने कहा भाई क्यों वापस आ रही हो, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, लोड शेडिंग होती है, मोबाइल छिन जाते हैं, तो उधर ही रहो, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये सारे मसले क्या हो गए, क्यों वापस आ रही हो, तो अब मैंने कहा अम्मी मुझे ना टीचर बनना है, टीचर बनना है, हाँ। अम्मा ने ये तो नहीं कहा दिमाग शार्ट तो नहीं हो गया तुम्हारा अम्मा कह रही बेटा तुम यूएस में ही हो ना क्या हो गया ऐसा, तो नहीं मुल्तान चली गई उधर ही बन जाओ टीचर, तो बस मैंने 2 दिन ही टीचिंग की थी, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2 दिन टीचिंग की थी, और मैंने किसी ऐसे ही किसी दोस्त को बोला था कि मुझे ना तुम ऑडिशन करा दो, वो जो है ना एडी होती थी मेरी बचपन की दोस्त थी, एडी होती थी सैफी हसन की, ओके, तो उसने जो पहला फोन ही सैफी हसन को बनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं एक सोप कर रहा हूँ, मुझे लीड पे लड़की चाहिए, कोई फ्रेश फेस चाहिए मुझे,
तो उसको बुला लो. मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया. वाह, अरे वाह. और दो दिन के बाद मुझे अपने स्कूल में, मैं ओ लेवल में पढ़ाती थी, इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, मैंने रिजाइन दिया. और मैं आपको बताती हूँ, अस्मा नबील मरहूम, जी 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 जी, मरहूमा, उनकी बहन जो है वो प्रिंसिपल थी स्कूल की. ठीक है. तो उस टाइम पर उन्होंने कहा, अच्छा तुम पहले तो नाराज हुई, फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम एक्टिंग करने जा रही हो, फिर खुश भी हो गई, फिर उन्होंने मुझे अस्मा नबील से भी कनेक्ट करा दिया. अरे वाह. एनीवे तो रास्ते खुद ब खुद बन गए, बन जाते. यानी मैं रिजाइन देने गई हूँ तो उन्होंने मुझे अस्मा नबील से कनेक्ट कराया, उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर कर दी, इधर मुझे ड्रामा मिल गया, ऐसे करके बस खुद ब खुद. अच्छा, फिर इनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी तकरीबन एक जैसी है. अच्छा, थोड़ी एंडिंग में अलग है. क्या तुमने कहा टीचिंग की? मैं टीचर के साथ था ना. टीचर के साथ थे? मतलब टीचरों के साथ था ना. अच्छा, स्टूडेंट था ना जो टीचरों के साथ था. जी. तो फिर मुझे था कि मैं टीचिंग करूं, तो मुझे वहां हुआ नहीं. फिर मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार मेरा कहीं ऑडिशन करवा दो. उसने उसके बाद से फोन नहीं उठाया बस. ये चेंज हो गया. बस ये थोड़ा सा चेंज है. हाँ, थोड़ा सा काफी चेंज है. अच्छा, तो जब थोड़ा सा और उसके बाद माशाल्लाह बैक टू बैक इतना अच्छा सारा काम चलता आ रहा है, तो मशवरे किसी ने दिए होंगे, कौन से मशवरे आपने सुने और कौन से इग्नोर कर दिए? सबसे पहला मशवरा मुझे ये मिला कि ये मेरी ना ये है डिंपल चिन है. हाँ. कि कहा कि इसकी सर्जरी करा के इसको सही खत्म करा दो. हाँ, खत्म ये, करा ये दो. क्या बोला आपने, ये क्या है? डिंपल चिन, क्लेफ्ट चिन कहते हैं इसे. अच्छा, ठीक है. क्लेफ्ट, इसको, इसकी सर्जरी करा के इसको खत्म करा दो. खत्म करा और दो. फिर आपने कहा नहीं ये तो नहीं हो नहीं, सकता. नहीं ये नहीं हो सकता. हाँ, तो इस तरह की, इस तरह की. और ऑब्वियसली ये भी होता है कि अरे ये तुम तो नहीं चल सकती यहाँ पे, ये इस तरह से. वो नहीं, मैं शुरू से बताऊँ इस तरह क्यों, कि थोड़ा ये है कि मैं इतने घंटे काम करूंगी, इसके बाद मैं नहीं काम करूंगी. तो वो कहते हैं यार एक नई लड़की आई है, तो मैनिपुलेट ही नहीं हो रही, इसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है, इसको जरा काफी किया जाता है, इसका एडवांटेज देने की जरूरत है, तो हो ही नहीं रही है. तो फिर डराना होता है ना कि नहीं नहीं इस तरह तुम्हें दोबारा काम नहीं मिलेगा. मैंने कहा नहीं मिले तो नहीं मिले, मैं ऐसे थोड़ी पढ़ा है बाहर से कि मैं जाके लोगों की बातें सुनूं, जो वो कहें वो मैं करूं. एक एक रीजनेबल तरीके से प्रोफेशनल काम करूंगी, उसके आगे आप बोलोगे मैं नहीं करूंगी. 12 घंटे से ज्यादा की शूट करना मुझे नहीं समझ आता कि मुझे नहीं करनी. बहुत होते हैं 12 घंटे. 12 घंटे बहुत है भाई. कभी कभी यू नो वंस इन अ ब्लू मून जरूरत पड़ती है, कोई इवेंट हो तो आप कर सकते हैं. तो वो देखते थे कि ये ना बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग है, तो उस पर बड़ी एडवाइस मिलती थी कोमल, इस तरह करोगी तो आगे चलेगा. नहीं चल रहा है. और आप माशाल्लाह कितना टाइम चल रहा है अभी तक? हाँ, कितना टाइम हो गया इस बात को माशाल्लाह? 5 साल. 5 साल. तो जिन्होंने मशवरा दिया था उनसे मिली हम दोबारा? अब तो भूल गए हैं सारी बातें. अच्छा, अब ऐसा तो नहीं हो, कहते हैं यार ये वाला खड्डा क्यूट लगता है. चीजें चेंज हो गई है ना, नाम मिल जाते हैं तो आपकी चीजें जो हैं वो एकदम से क्यूट लगने लग जाती. लेकिन मुझे थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है इतनी स्ट्रगल नहीं मिली, क्योंकि स्टार्ट ही ऐसा हुआ था कि लीड से स्टार्ट था, सोप था, उसके बाद सीरियस मिल गए. तो और सैफी हसन का सोप था, वो कहा वो सोप करते भी नहीं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं वो. तो काफी अच्छी मुझे मेंटोरशिप उनके थ्रू भी मिली और अच्छा रहा. इतना कितनी कोई स्ट्रगल नहीं थी. आप पे बीच में वाला टाइम नहीं आया कि जब कोई काम वाम नहीं था और सोचा कि बस खत्म हो गया? नहीं, काम इतना ज्यादा, लड़कियां कम है आप लोगों के पास? लड़कियां कम है एक ड्रामे पास तो बिल्कुल भी नहीं है. एक ड्रामे में 8-8 लड़कियां छोड़ी हुई हमने. हाँ. काम कहां से लड़कियां? लड़कियां तो बहुत है. नहीं, लेकिन बाकी काम बहुत ज्यादा हो रहा है माशाल्लाह. ज्यादा है और शॉर्टेज है. अच्छा, तो मुझे बताएं, अब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको हाँ या ना करने का क्या तरीका कार होता है? सच सच बता दूं? बिल्कुल सच बताना. आपने स्क्रिप्ट देखती है, एक्टर्स देखती है, पैसे देखती है, डायरेक्टर देखती है, चैनल देखती है, चलो. मेरा एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं ना झूठ नहीं बोल पाती, तो ये इंटरव्यू में आके डरती हूं कि मैं भी सच बोल देती हूं. हम तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलते. मैं जो हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे पैकेजिंग देखनी होती है प्रोडक्ट की, राइट? तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ डायरेक्टर. नहीं, सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस, ऑब्वियसली. ठीक है, प्रोडक्शन हाउस. किसने ऑफर किया? किसने ऑफर किया? ओके, उससे पहले चल जाता है कौन से चैनल पे जाएगा. टॉप 3 चैनल्स पे ही काम करना है, उसके अलावा नहीं करना, काम करना है. ओके, ठीक है. यानी कंसीडर कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कोशिश है. कोशिश है, नहीं हो गया ना. कोशिश करना है कि नहीं करना? अल्लाह की कसम 6 महीने तक डेट ही नहीं है. कहीं कोशिश करना है? अल्लाह की कसम नहीं बोलती, अल्लाह की कसम से साफ पता चल जाता है. हाँ, कहीं कोशिश करना है कि नहीं करना है? अगर अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट है तो कर भी सकते हैं डायरेक्टर. अब वेरिएबल्स ये हैं, चैनल, चैनल, डायरेक्टर, डायरेक्टर, को एक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टोरी एंड मनी. पैसे आखिर में सबसे. पांच. हाँ, पैसे. अच्छा, इन पांचों में से कौन सी चीज कम हो तो आप बोलेंगे चलो यार ये 4 हैं, एक चीज छोड़ देती हूँ मैं, क्या?
पैसे कम हो तो चलेगा, क्या कर रही है, लेकिन चीजें सारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकी पैसे कम होंगे कर लेंगी, 1500 में सोप कर लेंगी। नहीं नहीं नहीं, यानी इतने भी कम ना हो लेकिन पैसे आ जाते हैं, आगे जाके आ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर ड्रामा अच्छा हो तो आपको दूसरी तरीके हाँ, किसी और चीज से माइलेज आपको मिल जाती है, माइलेज मिल जाती है, बिजनेस से मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम शाउट आउट से मिल जाते हैं, आपका ड्रामा तो अच्छा हो। अच्छा, ये दोनों चीजें आप कैसे मैनेज करती हैं, एक्टिंग के साथ साथ ओमल बाई कोमल इतना अच्छा चल रहा है आपका, बहुत, तो हाउ डू यू मैनेज इट, बिकॉज मैं देखता रहता हूँ आप अक्सर नजर आता है लैपटॉप पे काम कर रही होती है, एंड देन यू आर डूइंग द फोटो शूट्स एज वेल, ये सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज होती हैं? इट इज सो डिफिकल्ट, आई एम श्योर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको सच बताऊं, आई एक्चुअली गॉट डिप्रेस्ड, इट गॉट रियली रियली बैड, क्योंकि ये शो पे बैठ के कहना बड़ा आसान है कि हाँ हो जाता है, कर लेती हूँ मैनेज, आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उतना काम करना चाहिए जिसमें आप अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस कर सकें। तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली बहुत ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि मैं रोज़ाना 18 घंटे काम करी थी इंक्लूडिंग सैटरडेज एंड संडेज, तो उसकी वजह से ना मेरी नींद पूरी होती थी, मैंने वेट गेन कर लिया था जो कि अभी भी है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यानी जो मेरा आइडियल वेट था उससे ज़्यादा वेट गेन भी हो गया था, स्किन भी ख़राब होना शुरू हो गई थी, और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं इरिटेबल हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मुझे लाइफ का पर्पस नहीं समझ आ रहा था, हालांकि सब कुछ इतना अच्छा इतना हो रहा था, सब कुछ एक साथ हो गया, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ड्रामा अच्छा चल रहा है, सब अच्छा, लेकिन वो बैलेंस आउट हो गया, वो बैलेंस आउट, और मुझे लगता था कि ये ना कोई अंग्रेजों की बात है, वो कहते हैं ना बर्न आउट, हाँ। मैंने कहा हाँ देखा है अंग्रेजों को होता है बर्नआउट, हमें मम्मी तो नहीं होता, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, खा रहे चलगोजे कहाँ खा रहे हैं, तो लोग देख के चूमते हैं, चलगोजे कह रहे, क्या कह रहे, अच्छा, तो आपकी माँ बाप ने, आपकी माँ बाप ने कैसा, आपके वालदैन कर लो दादा, इंग्लिश ना कभी बार उर्दू में हो जाता, वालदैन, आपके वालदैन ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोला कि बेटा तुम इतनी परेशान लगती हो, अब बेटा शादी कर लो, मेरी गोद में भी तुम्हारा बच्चा हो, ऐसा हो सकता है किसी के माँ बाप ने ये ना कहा, हाँ, तो हाँ, ये क्या भी सवाल है, इनसे भी कहा था सबसे कहा है, हाँ, नहीं तो फिर आपने उस बारे में सोचा, जी जी, फिर क्या हुआ, करेंगे करेंगे कब, जब अच्छा से लड़का मिल जाएगा, तो अच्छा खाली सोचा आपने, अम्मी को बोला मैं कर लेती हूँ, राजी हैं आप शादी करने, नहीं मैं इस साल राजी हो गया, इस साल हो जाऊंगी, इस साल बस मुझे ये था कि मेरी अपनी भी एक मेंटल ग्रोथ थी जो मुझे करनी थी, मेरे कुछ गोल्स थे, और मेरे यही गोल्स थे कि मैं एक्टिंग में अच्छी हो जाऊं, मैं बिजनेस अच्छा कर लूं, तो जैसे ये दोनों चीज़ें हो गई तो मैंने कहा नाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ फुल्ली, ट्रैवल भी किया है, पढ़ा भी है बाहर, फिर और ट्रैवल किया है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बिकॉज हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली बिला वजह क्राइटेरिया बना दिया कि बस शादी करने के लिए एक एज होगी इसमें शादी कर लें, लेकिन आपके सामने लोग मौजूद हैं जो कि अपना काम भी करते हैं, अपने गोल्स भी अचीव करते हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, जब आप एक लेवल पर आ जाते हैं फिर आप शादी करना कर सकते हैं, ये कोई हमारे जरूरी नहीं है कि जी बस 18 क्रॉस हुई तो शादी करा दो, ये एक अच्छी एग्जांपल मौजूद है आपके सामने, वेरी गुड, हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कभी कभी कोई रिग्रेट हुआ इतने सारे टाइम में कि यार ये मैंने क्यों शुरू कर दिया, या मैं खाली बिजनेस पे फोकस कर लेती, या मैं एक्टिंग पे फोकस कर लेती, दोनों चीजें मैंने मिला दी, हाँ, या मैं कभी टीचर, किसी भी बात का कोई भी रिग्रेट, रिग्रेट मुझे थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, ए लेवल तक मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जा सकती थी, लम्स में मेरा एडमिशन हो गया था, आईबीए की पूरी कहानी है सबको शायद पता होगी, एनीवे तो मेरे पास ऑप्शन थी यहाँ लम्स में पढ़ने की या बाहर यूनिवर्सिटी जाने की, तो मैं बाहर चली गई, बाहर जाने से मुझे एक्सपोजर बहुत मिला, लेकिन जो मेरे आप वहाँ के जो असल आपके यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त बाहर हैं अमेरिका में, सही है, तो जब मैं यहाँ पर आई तो अब मुझे शोबिज में ऑनेस्टली लगता है कि दोस्त हैं लेकिन वो कभी कभी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं, कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो इनसे दोस्ती करनी है, इनसे नहीं करनी, वो फिर सच्चे दोस्त नहीं होते, जो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं वो उस वो दोस्त हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तब वो मेरे दोस्त थे, तो वो मुझे मेरे असल दोस्त हैं, जेन्युइन दोस्त हैं आपके, तो वो लेकिन मेरे बाहर हैं, वो मेरे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अब मेरे चले से या वर्क इंडस्ट्री के थ्रू फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन उसका मुझे रिग्रेट है, अब क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो आप वहाँ चली हैं वापस, हाँ तो फिर यहाँ काम कौन करेगा, हाँ काम कौन करेगा, उमल नहीं बिजनेस तो लैपटॉप पे भी हो जाता है ना, और एक्टिंग भी लैपटॉप पे होगी, आपको इंटरव्यू कैसे दूंगी मैं, मेरे पास बहुत एप्लीकेशन है वीडियो कॉल एप्लीकेशन, तो आप ये चैनल अलाउ करेगा एप्लीकेशनों से इंटरव्यू लेने, एप्लीकेशनों पे नहीं, टीवी लगाएगा कराए पे लेके हमने, कहीं ना कहीं काम आएगा, बस सही, जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो फिर आप लोग ऐसे मेरे, नहीं नहीं आप काम करना, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, भेज रहे हैं मुझे बाहर, नहीं नहीं आप यहीं रहे, आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, आपका स्टोर है, स्टोर इंशाल्लाह होगा, कब
जब थोड़े और पैसे आ जाएंगे। कितने कितने और चाह रही हैं आप कि आ जाएं तो स्टोर खोलें? करोड़ों करोड़ों रुपए में स्टोर खोलेंगी आप? इतने में ही खुलता है? इतना तो अच्छा, ज्यादा फजूल खर्ची नहीं कर रही हो? करोड़ों रुपए में स्टोर, करोड़ों रुपए तो लग जाएंगे स्टोर। आप दिला दें मुझे सस्ते में स्टोर। आप मुझे बताएं आपको कितने में स्टोर चाहिए, आप मुझे एक बताएं। मुझे लग रहा है मैं एक बिजनेस डील के बीच में बैठा हूं। सर आप कोई चाय कॉफी लेंगे? रुको, काम की बात हो रही है जी सर। कितना आप मुझे बताएं कितने में स्टोर खुल जाएगा? 10,000। ज्यादा नहीं है यार, तो 10 भी नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के दोस्त से मुझे याद आ गया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, मेरे पास दोस्त थे। ओफ, मेरे पास भी कुछ नहीं है और वो दोस्त भी चले गए। दोस्तों का हमारी जान छोड़ दो, तुम्हारे पास कभी भी कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं खैर ठीक है जी, आप बड़ी मजे की बातें चल रही जी। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाए। ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है कोमल अजीज। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि आदि लमजद, उनके साथ मौजूद है कोमल अजीज, और अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 हो गुचू के, आपसे एक सवाल होगा, उसमें दो ऑप्शन होंगे, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है, अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकती, और जब मैं आपसे कहूंगा तो आपने अपने ऑप्शन को जस्टिफाई करना होगा मैंने क्यों चुना। ओके तैयार हैं आप? अच्छा जी, एक्टिंग या फिर मॉडलिंग? एक्टिंग। ओके, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव। ओके, मेरिट पे काम या दोस्ती पे काम? मेरिट पे। वेरी गुड, को एक्टर्स या फिर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। ऑलराइट, डायरेक्टर्स विजन या फिर अपना होमवर्क? डायरेक्टर्स विजन। ऐसा होता है ना कभी कभी डायरेक्टर्स कहते हैं जी, तो उस पर आप अग्री कर लेती हैं या अपना कोई होमवर्क करती हैं? बिल्कुल अग्री कर लेती हैं, बहसबाजी नहीं, आंखों में पट्टी बांध के जो डायरेक्टर ने कह दिया। वेरी गुड, सैड सॉन्ग या फिर फन सॉन्ग्स? सैड सॉन्ग्स। तुझे जिंदगी, ये कौन सा गाना है? सैड सॉन्ग्स है ना। अच्छा, मेल को एक्टर्स या फिर फीमेल को एक्टर्स? फीमेल को एक्टर्स। ठीक है, आतिफ असलम या फिर अली जफर? आतिफ असलम। ठीक है, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? ईस्टर्न। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। समी खान या फिर उसामा खान? बताइए बताइए। समी खान। उसामा खान क्यों नहीं? नहीं नहीं, समी सीनियर है इसलिए। बस समी सीनियर, बस दोनों मतलब पसंद है, मैं परेशान हो गई। समी भाई कोई पर्सनैलिटी में कोई चार्म नहीं है। मैं समझा समी भाई आपकी तारीफ करेंगे कि समी भाई क्यों, समी भाई ऐसे हैं, उन्होंने कहा नहीं क्योंकि समी बस बस आप दुनिया में पहले आ गए तो आपको बोला यार सीनियर है, सॉरी सीनियर एक्टर है। सीनियर एक्टर इंसान नहीं है आप कोई। एक्टर एक्टिंग उनकी इतनी और कोई क्वालिटी नहीं है आप में, आप बस सीनियर एक्टर हैं और कोई वजह नहीं है। बस आग लगाए आप लोग, तीन ही लगाए। अच्छा जी ठीक है, आपने कहा कि समी खान, ये बताएं किंजा हाशमी या यमुना जैदी? यमुना जैदी। ठीक है, मोहलत या फिर राज उल्फत? राज उल्फत। साइमा वसीम या फिर सिराजुल हक? सिराजुल हक। ठीक है, देसी खाना या अंग्रेजी खाना? अंग्रेजी खाना। अंग्रेजी खाना। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? नो अवार्ड्स। नो अवार्ड्स क्यों? मतलब अवार्ड्स क्यों पसंद नहीं आप? क्योंकि बस ये एक फजूल की चीज है, काम अच्छा करना चाहिए आपको, उसको अवार्ड की वैलिडेशन की क्या जरूरत है? नहीं लेकिन आई थिंक ऑडियंस आपको पसंद करे, वो बहुत वो है, मोहब्बत करे, वही काफी है। तो मतलब आपको अवार्ड बुलाया जाए? अवार्ड्स एक्यूरेट भी नहीं होते ना। अवार्ड्स एक्यूरेट क्यों नहीं होते आदि भाई? ये तो हम सबको पता है। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो सिर्फ शहरयार मुनव्वर की डांस परफॉर्मेंस देखी है। देख मुझे को इतना हिंट कर रहे हैं, ये हिंट कर रहे हैं, ये इनको बहुत पसंद है शहरयार भाई, चौथे शो में इन्होंने मेंशन किया उनको। वेरी क्यूट माशाल्लाह, और उनका डांस इज। और अगला सवाल। अच्छा जी, साइकिल या फिर बाइक? हां बाइसिकल या फिर बाइक? बाइसिकल। बाइसिकल। बस या फिर रिक्शा? रिक्शा। रिक्शा। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग शो। ओके, आइसक्रीम या फिर कॉफी? आइसक्रीम। आदि भाई पूछिए सवाल। ये बताइए, लड़के दोस्त या लड़कियां दोस्त? लड़कियां दोस्त। अच्छा, लड़कियां दोस्त, लड़के कहाँ दोस्त होते हैं? क्यों नहीं होते? अरे मतलब है? मैं तो मैंने ज्यादातर यही सुना है लड़कियों से कि हमारे दोस्त लड़के हैं। ये गलत बात है, लड़कियां लड़कियों क्यों नहीं दोस्त हो सकते? क्यों? इंटेंशन होती है। नहीं नहीं, कुछ और इंटेंशन। आपको सही लड़के नहीं मिले अभी, घटिया लड़के देख लिए असल में, सादे लड़के देखे उनमें होता है सादे लड़के। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हमारी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। आप अच्छे होंगे वैसे, मेजोरिटी का बताएं, मेजोरिटी लड़के जो लड़कियों के दोस्त होते हैं? होते हैं भाई, होते होते हैं। नहीं नहीं होते, सिर्फ दोस्त होते हैं या कोई उम्मीदें लेके बैठे? अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं, ये तो फिर दोनों तरफ से होता है, फिर कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ये तो लड़के मुझे लगा है। मतलब हम सारे लड़कों का केस लड़ रहे हैं इस वक्त बिला वजह, हो सकता है लड़के ऐसे होते हैं, हम क्यों लड़े? चलो आप ठीक कह रही है, ठीक है भाई, लड़का लड़की। ये बताइए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अच्छा ये बताइए, बच्चे दो ही अच्छे या आने दो जितने आ रहे हैं, अल्लाह की देन? दो ही अच्छे।
दो ही अच्छे। अच्छा बेबी पाकिस्तान बहुत पॉपुलेट हो गया है, प्लीज ये ऑप्शन ही ना दे। नहीं वैसे सबको वैक्सीन लगी, दो साल बाद तो नहीं होंगे हम लोग, लेकिन चले। ये बताइए बेबी बॉय या बेबी गर्ल? बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। ये दोस्तों के साथ बाहर घूमना या दोस्तों के साथ घर में बैठ के चिल करना? दोस्तों के साथ घर में बैठ के चिल करना। कौन आइसक्रीम कौन होती है ना जी जी, ऐसी चबा के खाती है या गोला बना के? चबा के। चबा के क्यों खा रही है? गलत तरीका ये भाई, उनकी मर्जी। क्रंची होती है, मजे की होती है ना। कौन आइसक्रीम कोन की बात कर रहे थे ना, आइसक्रीम तो भी ऊपर करके खाऊंगी, ऊपर जो पूरी वो जो बनाता है। अच्छा वो वैसी खाऊंगी। वो वैसी खाएगी। अच्छा जी, ननियाल या ददियाल? ननियाल। पहले सोचा फिर ननियाल, ददियाल क्यों नहीं? सोचना जहाँ सोचना पड़ता है, इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं। तो फिर आपने फिर कैसे ननियाल को ज्यादा पॉइंट्स दिया आपने? क्योंकि ननियाल पाकिस्तान में, ददियाल अमेरिका में। ठीक है, ददियाल वाज इन अमेरिका यूं बोलते हैं जब अमेरिका की बात होती है तो, वाली लाइन वाज इन अमेरिका। अच्छा जी, बीफ या चिकन? चिकन। ओके, पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान। झूठ झूठ पकड़ा गया खवातीन हजरात, एकदम से मुझे जहाज में बैठी नजर आ रही है। पाकिस्तान पाकिस्तान। वेरी गुड आदि, वेल डन यार, जबरदस्त। ठीक है, ये बताएं कि बेहतर बहन है या बेहतर दोस्त हैं? बेहतर बहन हो। बेहतर बहन, ये आपकी बहन भी कहती है या नहीं? आई होप बहन कहती हो, आई एम अ वेरी गुड सिस्टर। ठीक है, हॉरर फिल्म्स या फिर कॉमेडी फिल्म्स? कॉमेडी फिल्म। गाड़ी खुद चलाना या ड्राइवर के साथ आना? गाड़ी खुद चलाना। ठीक है, फवाद चौधरी कराची के बाहर? कराची के बाहर। क्यों, कराची में क्यों नहीं? कराची का ट्रैफिक देखा है आपने? जी जी बिल्कुल, पार्किंग के मसले देखे आपने? हाँ ये तो है। पाकिस्तान में मतलब गाड़ी चलाना नहीं पसंद? इस्लामाबाद में बड़ा मजा आता है गाड़ी चलाने का। इस्लामाबाद में लोग ही कितने, बल्कि गाड़ियां ही कितनी हैं। तभी तो मजा आता है, 40-50 तो लोग हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी या शेख रशीद? नहीं चूज तो करना पड़ेगा, बताइए। फवाद चौधरी। अच्छा ये बताइए, शादी जो करेंगी, जो आपकी लव मैरिज होगी, वो इंडस्ट्री के अंदर करेंगी या भाई डॉक्टर इंजीनियर? इंडस्ट्री के बाहर। क्यों इंडस्ट्री के? क्यों ये, क्योंकि आपने इंडस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं, इंडस्ट्री के अंदर। हम क्या खा जाते हैं लोगों को? वजह क्या है? अच्छा कोई वजह बताए ना आपने, कोई देखा? बहुत सी वजह आती है। कोई केस स्टडी आपने देखी हो? कोई केस स्टडी आपने देखी? बहुत केस स्टडीज देख ली है सीरियस कह रही हूं। अच्छा तो आप कह रही बाहर? ठीक है बाहर। तो आपको डर लग रहा है मीडिया में करने से? नहीं डर नहीं लग रहा, करनी नहीं है बस। मैं जो मेरी एक्टिंग जो है, मेरी एक बहुत स्मॉल साइड है पर्सनालिटी की मेरी, और बहुत सारी एस्पेक्ट्स है पर्सनालिटी के। एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बड़ा साइड है, सो आई थिंक उससे थोड़ा मैच करता हो। मेरी भी एक साइड है। कौन सी साइड? ये दाना निकला है। अरे अच्छा बता, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी में आलू या नो आलू? आलू आलू आलू। इनको सही बिरयानी का मतलब पता है, इसका मतलब है। ठीक है जी, पुराना म्यूजिक या नया म्यूजिक? नया म्यूजिक। खट्टी चीजें खाती है मीठी चीजें? खट्टी। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। पकाना आता वैसे कुछ? क्या पका लेती हैं आप? बिरयानी। बिरयानी बनानी आती है आपको? वाकई बाहर रहती थी ना तो बनानी पड़ी, सीखना पड़ा। बाहर रहती, घर में जगह नहीं आपके? अमेरिका में रहती थी ना पढ़ने के लिए। अमेरिका में रहती। When you was in America, I was in America. When you was in America. ये बताएं कि बिरयानी कैसे बनाते हैं, जरा जल्दी से हमें बताएं तो सही। अच्छा मैं जो बड़ा शॉर्टकट तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, जुगाड़ू। जैसे हाँ बिल्कुल जुगाड़ू बनाती हूँ, आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे में बिरयानी? आधे घंटे में बिरयानी बनती है। देखिए जी आधे घंटे में। तो उसके लिए आपने एक लिया राइस कुकर, ठीक है ठीक है, चाहे तो बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास राइस कुकर था। उसमें आपने डाले चावल, वो काम हो गया साइड पे। उसके बाद फिर आपने लिए आलू, आलू को आपने पील करके काटा और आपने एक पैन में फ्राई किया, ठीक है? उसके बाद आपने लिया चिकन का ब्रेस्ट पीस, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकता है, ठीक है? चिकन ब्रेस्ट को आपने उस चॉप किया। हाँ। उसके बाद आपने ऑलरेडी, आपके पास फ्राइड अनियंस बाजार से मिल जाते हैं। सारा काम ऑलरेडी हुआ है ना। इस बिरयानी का नाम है कामचोर बिरयानी। बिरयानी फिर भी बनाई है मैंने, ठीक है? तो एनीवे आपने किया ऑयल गरम, उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद आपने डाली चिकन, चिकन जल्दी पक जाएगी क्योंकि वो ब्रेस्ट पीस है। उसके बाद फिर आपने उसमें डाला दही, टमाटर का पेस्ट रेडीमेड, और तो आप एक काम फ्राइड अनियन पकवान से मंगवा ही ले भाई, सब ये मैं अमेरिका में हूँ। जब तेल ऊपर आ जाएगा उतने में आपने आलू, क्योंकि ऑलरेडी आपने फ्राई कर लिए तो वो नरम हो गए, उनमें भी टाइम नहीं लगेगा, उनको आपने ऐड किया और इतने में साइड में राइस कुकर में जो है चावल बन चुके बन चुके। आपने पतीली में लेयरिंग की और आपने 15 मिनट में दम दे के उसको, क्या बात है, वेल डन। बिल्कुल जायका आया बिरयानी का जो इन्होंने रेसिपी बनाई, बहुत अच्छा जायका बनी, बिल्कुल किसी का बता रही हूं। अच्छा ये बताइए, चाय कौन सी पसंद है, टी बैग वाली या पठानी? चाय नहीं पीती वाली। पीती ही नहीं चाय? चाय पीती नहीं? नो चाय नो कॉफी। यू आर नेवर ड्रिंकिंग? नेवर नेवर अ ड्रिंकर। ओके क्या पीती है फिर, चाय कॉफी? नहीं ग्रीन टी पी लेती हूं।
कितनी आसान जिंदगी तो है। नाश्ता कैसे कर रही हैं आप? नाश्ता नहीं करती। आप जिंदा हो? लाश है। जिंदा हूं ना, अभी देखी ना, अभी नाश्ता नहीं किया। बनाई बताई मंगाई थी ना सैंडविच अभी। तो फिर आप क्या खाती पीती हैं, मतलब कैसे? बहुत कुछ खाती हूं, लेकिन लंच छोड़ देता। I start my day by waking up and brushing my teeth. And she's asking about what you eat. I eat nothing. सिर्फ पानी पीती हूँ मैं। और मैं खाना खाती हूँ डायरेक्ट लंच। डायरेक्ट लंच से काम शुरू होता है। लंच और फिर डिनर ऐसे। And that's it. Intermittent fasting जो है ना वो फिर मेरी naturally हो जाती है। लेकिन आपने तो O levels किया हुआ है, तो intermittent कहाँ से आ गया? अरे intermittent fasting की बात हो रही है। Intermediate नहीं कहा उन्होंने। Intermittent fasting ये होती है जो हम लोग मुसलमान वैसे जो रमजान में भी करते हैं, रोजा रखते हैं। तो आपने खाना है 8 घंटे में और बाकी कितने बजे? 16 घंटे जी, 14 घंटे 16 आपने अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया कर और आप दोपहर का खाना खाएं और बस शाम को आप थोड़ा अर्ली डिनर कर दें, उसके बाद आप कुछ ना खाएं, ऑटोमेटिकली वेट लूज होता है। चल जबरदस्त। ये बताइए अपार्टमेंट पसंद है या बंगला? अपार्टमेंट। ये बताइए समंदर पसंद है या पहाड़? हाय बड़ा मुश्किल है, दोनों। इसमें पहले मैं कहूंगी दोनों। नो आई लव नेचर। नहीं फिर लेकिन फिर भी समंदर या पहाड़ ज्यादा सुकून कहाँ आता है कि दिस इज दोनों में, दोनों में समंदर एक कोई एक चूज करें। पहाड़। अच्छा कैट्स या डॉग्स? डॉग्स। अरे चल डॉग्स, वेरी गुड। अब जी वक्त हो गया दो इंपॉर्टेंट सवालों का, एक मैं करूंगा एक आदि करेगा। आदि भाई पहले आप पूछें, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़े सीरियस क्वेश्चन। जी आदि भाई पूछिए। अच्छा मैंने आज का जो सवाल बनाया है वो सवाल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं खुद अभी एक इंजरी से गुजर रहा हूँ। हाँ तो जब बंदा बीमार हो जाता है या उसको चोट लगती है तो वो ज्यादा सोचने लग जाता है कि यार ये क्या जिंदगी है। तो मैंने कहा यार इसी मुताबिक आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप बिजनेस भी करती हैं, आप एक बेटी भी हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में माँ भी बनेगी, बहन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बहन भी हैं, सब हैं, बाहर भी रह चुकी है। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे ये बार बार चलेगा, तो जो भी जवाब होगा हर तरह से सोच के सुकून से देगा, रैपिड फायर नहीं है। ये बताइए आपको क्या लगता है, कोमल को क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा ठीक या बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या इलास्टिक वाली शलवार? बताएं जी बताएं। इलास्टिक वाली शलवार। इलास्टिक वाली शलवार, वेरी गुड। ये कौन है जो नाड़े वाली शलवार को बोलेगा? नाड़े नहीं, नहीं बहुत लोगों ने चूज किया, इलास्टिक बहुत कम लोग। ये हम सबसे पूछते हैं, मेजॉरिटी लोगों ने कहा हजारबंद वाली शलवार। इलास्टिक का सिर्फ ये फायदा कि इमरजेंसी एग्जिट बहुत है उसमें, आसानी है, बस बच जाता है उसमें। अच्छा जी आखिरी सवाल, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई आपने वजह नहीं बतानी, आदि या फैजान? ये नहीं बता रही मैं, ये तो बताना आगे शो नहीं चलता। इसके आगे फिर हम शो खत्म नहीं करते, जल्दी से बताएं। फैजान है आदि। बताइए। बताया ना फैजान है आदि। ये सब कर चुके पीछे देखिए कितने जो लोग लगे ना सब एक एक नाम देकर गए, बड़ी कोशिश की लोगों ने, खास तौर पे अगर मोहिब भाई की तस्वीर लगी हुई तो हाँ लगी हुई है, उन्होंने बहुत लंबा किया था हमारे साथ, 40 मिनट लगे रहे वो कि नहीं दूंगा लेकिन फिर जवाब देना पड़ा। सो जवाब तो है, कर लेती हूँ क्या करती हूँ आदि आदि में बजाओ तालियां, तुम मत नाचना। इनी मिनी माइनमो वो भी जुगाड़ से किया, इनी मिनी माइनमो बस ठीक है आदि, वेरी गुड वेल प्लेड। आई ब्रेक बजाने से पहले काशी भाई आप हमें क्या सुनाने वाले? जी फाखर का गाना। फाखर का गाना, आइए आइए सुनाइए। काशी भाई मैं गाने से पहले एक सवाल पूछना, आ जाए इधर आ जाए, इधर आ जाए ना। ये बताइए आप कोमल को जानती हैं? जानते हैं, जानते हैं, दिमाग छोड़ दें अभी। हाँ बिल्कुल जी, चले जी सुनाए सुनाए गाना सुनाए यार। आंखों में शबाब है, चेहरा ये गुलाब है, हर अदा अजाब है, हुस्न बेहिसाब है, तू जो बेनकाब है, तौबा है 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 तौबा है। जुल्फों को छूके तुम जब मुस्कुराती हो, देखने वालों पे बिजली गिराती हो, जुल्फों को छूके तुम जब मुस्कुराती हो, देखने वालों पे
बिजली गिराती हो, वल्लाह आफत कयामत हो तुम, मैं दिल हूँ और दिल की चाहत हो तुम। हर अदा अजाब है, हुस्न बेहिसाब है, तू जो बेनकाब है। तौबा है, 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 तौबा है। आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है कोमल अजीज, और अब हम खेलने लगे उर्दू मीडियम। मजेदार 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 हुआ कुछ यूं कि मैं आपको एक उर्दू का वर्ड बताऊंगा, आपने उसका उसकी ट्रांसलेशन बतानी है हमें, और फिर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। ओके ओके आदि भाई, इसमें आपको भी खेलना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? उर्दू तो, उर्दू का लफ्ज है, उसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बतानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। फारसी में तो मुश्किल हो जाएगा, मायने बता दें इंग्लिश में क्या है, और फिर उसे सेंटेंस जो है यूज करना है उर्दू में। उर्दू में, हाँ जी, जैसे कि पहला है कमसिन। कमसिन का मतलब होता है यंग। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटी उम्र, ठीक है। और जुमले में इस्तेमाल करें इसको आजकल के जमाने में। ओए होए होए होए, ये इसे कहते हैं जबरदस्त कमसिन, लोग हाँ हाँ सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए। अरे वेरी नाइस, वेल डन। अच्छा, इसमें कमसिन कहाँ था? कमसिन लोग बोला ना। ओस बिल्कुल, आपकी चोट काफी सीरियस हो गई, कानों पे आ गई हो। आपकी चोट बढ़ के कानों में आ चुकी है। ठीक है, अब मैं पकड़ लूं। ठीक है, अच्छा जी, अगला है, आप मुझे बताइए मुदाखलत। मुदाखलत, मुदाखलत का होता है इंटरफेरेंस। वेरी नाइस, और मुझे अपने कामों में ज्यादा मुदाखलत की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस, और ये जुमला भी काफी सीरियस था ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तवील। तवील का मतलब होता है लंबा, प्रोलॉन्ग करना। आजकल टीवी पे नहीं, नहीं। तवील, सारे जुमले आजकल से शुरू हो रहे हैं। आजकल भाई, आजकल में हो ही रहा है ना। आजकल हो रही है। तवील, मैं बहुत तवील हूँ। मैं एक्टिंग की तवील हूँ। हाँ हाँ, तवील ब्रेक नहीं ले सकती। एक्टिंग से तवील ब्रेक नहीं ले सकती। सही है। हाँ, एक्टिंग से, हाँ, तवील बिल्कुल सही है। सही है। मैं एक्टिंग से तवील अरसे के लिए ब्रेक नहीं ले सकती, बिल्कुल ठीक है। आदि भाई, गर्विदा होना। हाँ। मतलब बताएं। हाँ नहीं, मतलब बताएं। गर्विदा होना। हाँ। जब किसी लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा। वो घर से गर्विदा हो जाती है। कोशिश आपकी अच्छी थी लेकिन गैस आपका गलत था। आप बताएं जी, गर्विदा होना। गर्विदा होना इम्प्रेस होना होता है, इंफैटुएट होना। हाँ, कह सकते हैं किसी का आशिक होना। हाँ। यार। हाँ, तो इट्स ऑलमोस्ट देयर। चलें जी, जुमले में आप इस्तेमाल करें इसका, ये वाला जुमला डिलीट कर दें अपने पास से। बताएं जी, जुमले में गर्विदा होना। मैं माहिरा के हुसन से गर्विदा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं माहिरा के हुसन आपको बहुत पसंद है। एक गर्विदा वो भी तो होता है जो अक्सर लोग पुल के नीचे कर रहे होते हैं। वो क्या होता है? गर्विदा कर रहे होते हैं ना, कि वो ऐसे यूं कर रहे होते हैं। अच्छा होता है, डांस होता है, सॉरी, गर्विदा नहीं होता। अच्छा जी, अजीब सी बात है, खाली बैंड को समझ आया। नहीं नहीं, समझ सबको आया है, समझ सबको आया। अच्छा जी, संगे मील। संगे मील, हाँ। आप नहीं, ए, ए, ना। अगर आप कराची में तो संगे किलोमीटर, अमेरिका में संगे मील। संगे मीर था या संगे मील? मील नाम ये है, ये नहीं आता। संगे मील, कोशिश करें ना। संगे मील, हाँ। पत्थर को कहते हैं? नहीं नहीं, काफी काफी करीब है। पत्थर के करीब, ऑलमोस्ट देयर। कोयला, सोना। एक तो आधी आप ना कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल। सोना कहाँ से आ गया इसमें? संगे मील, सोना कितना। संगे मील बताएं। संगे मील, पत्थर आपने सही बोला है। अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो उसमें पत्थर है, स्टोन है। स्टोन एज, स्टोन ओवर, स्टोन वॉर्स। स्टोन वॉर्स वो क्या था? माइलस्टोन। माइलस्टोन को संगे मील कहते हैं। मेरा संगे मील है अमेरिका। इस शो में आने से मेरा एक बहुत बड़ा संगीत। यस, एब्सोल्युटली, वेल डन। इसके अंजुम जी, 500 रुपए और प्लीज। और एडिट पे ये लूप, और ये एडिट पे, प्रोमो पे, हर जगह बार बार लगाएं, बार बार। अच्छा जी, सफाक। सफान होता है। सफाक का मतलब होता है सफेद। नहीं। या सफाक का मतलब होता है क्लियर करना। नहीं। सफान,
सफान नहीं सफाक। आप एक सेंटेंस दे दो, मैं आप मीनिंग बता दूंगी। बड़ा आसान सेंटेंस हो जाएगा। मेरा मेरे कपड़े बहुत सफाक हैं। नहीं, वो सफेद होते हैं या साफ होते हैं। सफाक होते हैं। सफाक उधर से एनिमी को आपने सफाक कर दिया। नहीं नहीं, वो सफाया होता है या साफ होता है, सफाक नहीं होता। एनिमी आपका सफाक हो सकता है। एनिमी आपका सफाक। ये ना मुश्किल होती जा रही है लेवल इस गेम की। बड़ी हिंट दी है मैंने आपको। एनिमी सफाक हो सकता है आपका, कि मेरा दुश्मन बहुत ही सफाक है। तेज तेज है? नहीं, फिर उसके लिए तो दूसरा शातिर। शातिर नहीं, उसके लिए एक और वर्ड है बहुत ही। बता दे बता दे। सफाक होता है ब्रूटल। अच्छा जी, कम जर्फ। ये तो सबको पता है ना, चलो बताओ मतलब। जिसका जर्फ कम हो। जर्फ कम हो, वेरी गुड। इसका मतलब बताएं, जुमले में इस्तेमाल करें दोनों। कम जर्फ का जुमला बताएं। मैं कल उससे मिला। हाँ, कल बड़ा कल मैं उससे मिला, कम जर्फ था वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी के कम जर्फ से ना, किसी के वजन पर बात करना कम जर्फी की निशानी है। नहीं, कोशिश आपने अच्छी की थी, एहसान जताने वाले को। हालांकि मैं जुमला बनाऊं? नहीं, घर में इतने कपड़े धोने को हैं लेकिन कम जर्फ है। कम जर्फ कुछ और होता है। हाँ, अच्छा जी, लागत। लागत, आप पे इस पे 5,000 की लागत आएगी। आप दे दो। हाँ, पेमेंट दे दो, एडवांस बाजी। अक्सर लोग भाग जाते हैं, आप मुझे दो। हाँ। आप तो काफी प्लंबर लगे मुझे। लागत का मतलब होता है वैल्यू। हैं? वैल्यू। हाँ। नहीं, वैल्यू नहीं। लागत का मतलब होता है प्राइसिंग। इतने पैसे लगेंगे। हाँ, प्राइसिंग से हो सकता है, खर्च कह सकते हैं, कितना इतना खर्च होगा। मैंने लेकिन जुमला सही बोला। अच्छा ठीक है। ओए होए, बड़ा मुश्किल है। आसान है। ओए होए मतलब कोई चीज पसंद आना। जुमला तो जुमला दोनों ने नहीं बनाया लागत का। बनाया तो बाजी, 5,000 रुपए लागत आएगी इस पे, आप 250 लोग भाग जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, गरजतन। गरजतन, गरजतन, काले बादल हुए, गरजतन, गरजतन, गरजतन नहीं है, गरजतन है। गरजतन, हाँ, मेरे कमीज के गरजतन लंबे रखना। वो आस्तीन होते हैं। इसका सेंटेंस बता दे, हिंट। सेंटेंस बता दूं मैं आपको, वो लड़की बहुत ही गृहस्थन, घर में रहने वाली नहीं, सुलझी हुई नहीं, और बेहतर, घर के वो चाय वाय बना के लाती है इज्जत से। हाँ, वो क्या होती है? घर गमाई। घर गमाई वो करते हैं ना यार, मेरी बेटी बड़ी वो है। अरे कुछ वो है क्या? ये क्या कंफ्यूजन हो रही है। मेरी बेटी बड़ी वो है क्या? घर का सही बोला था, रख रखाओ, रख रखाव वाली। हाँ, गीत सही था। इसका एक वर्ड होता है ना, बताए ना। रख रखाव नहीं, सुलझी भी बोला था मैंने। सुलझी भी नहीं, एक और वर्ड होता है, किप। किपर, रख किप। पूरे घर के काम बहुत अच्छे से करती है। हाँ, उसका एक होता एक है, उर्दू वर्ड है ना, बड़ा अकबरी अकबरी का होता था। कहते हैं लड़कियों को मशरकी तो होनी चाहिए, लेकिन लड़कियां बड़ी वो होती हैं। हाँ, रुक जा, सुगर, थैंक यू। मैं बोलने वाली थी, एक्चुअली आई वाज नॉट इन अमेरिका ना। यू वाज इन अमेरिका, ही वाज नॉट इन अमेरिका। आई वाज अबाउट टू से दिस वन। हां ठीक है, वेरी गुड। अगला जुमला ये बताइए, कारामत। कारामत का मतलब है यूजफुल। वेरी गुड। आदि भाई जुमला बनाए। ये काशी भाई हमारे शो के लिए बड़े कारामत हैं। ओए ओए, फायदेमंद है, वेरी गुड। हमारे शो की रेटिंग के लिए बड़े कारामत, बड़े कारामत। आदि, आप लोग के शो की रेटिंग के लिए बहुत कारामत है। कोमल हमारे शो के लिए बड़े कारामत। आप लोग कर लें आपस में पहले। अच्छा जी, मुल्तवी। मुल्तवी डिले। तो जुमला बनाए ना, मतलब क्या? हमारे यहाँ जो भी मसला कोर्ट में जाता है वो मुल्तवी रहता है। मुल्तवी नहीं, मुल्तवी। मुल्तवी बेसिकली पोस्टपोन को कहते हैं। यही कहा ना? नहीं, ये तो नहीं कहा आपने। अच्छा जी, ला हासिल। ला हासिल का मतलब जो हासिल मिलने वाला। हाँ, तो जुमला बनाए, जुमला। प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरे लिए ला हासिल है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसके लिए ला हासिल है वो, और अल्लाह करे कि ला हासिल ही रहे। क्यों, वो कौन सा कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि तुमने हासिल कर लिया तो काफी मसाइल हो सकते। अच्छा, अदावत। अदावत कुछ और होती है भाई। अदावत तो नहीं पता। इसका जुमला कोमल बनाएंगी और वर्ड भी बताएंगी। कल मेरे घर आ जाना, 8 बजे अदावत है। वो दावत होती है खाली। अदावत, अदावत नहीं, अदावत, अदावत बताइए। अदावत, किसी के घर जाओ तो अदावत करना जरूरी है। अरे भाई, वो अदाब होता है। अदावत, अदावत। देखें, मेरी उससे बहुत अदावत है। ये पता है, ये इंग्लिश बड़ी अदावत है भाई। इंग्लिश है अदावत। क्लोजनेस, क्लोजनेस, फ्रेंडशिप, दुश्मनी। यस, दुश्मनी है। अब इसका जुमला बना लें। अभी तो आपने दे दी ना। नहीं, अब आप बनाएं, मेरा जुमला कॉपी नहीं करें प्लीज।
अदावत है क्योंकि वो मुझे अपना जुमला कॉपी नहीं करने देते। जब कुत्ते मेरे पीछे भागते तो ऐसा रहता है मेरी कुत्तों से अदावत है। तुमसे तो बनती भी है। कुत्ते मेरे पीछे भागते हैं यार ये गाड़ी पे आ रहे हैं हम पैदल हैं। हाँ अच्छा जी लास्ट मुशाबहत। मुशाबहत होता है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस यार वेल डन जुमला। मेरी अपनी अम्मी से बिल्कुल मुशाबहत नहीं है। नहीं है। वाह जी वाह वेल डन। अब आ गए मुश्किल वर्ड्स। अच्छा वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आपको इतनी अच्छी उर्दू आती होगी। यू वर प्रीटी गुड। थैंक यू आप आगे मुश्किल पढ़ने में अच्छी थी ना। हां रट्टा लगाने में। एंड शी वाज इन अमेरिका आदि भाई वाज वाज जी आदि। अब आप दोनों बताएंगे। अल्लाह हू अकबर। अब टीम चेंज हो गई। आप पूछेंगे। हां ये तो मैं और आप दोनों गेस नहीं कर सकते बल्कि जितने बैठे नहीं कर सकते। फैजान की तो उर्दू अच्छी होगी ना। पता नहीं लग रहा है कुछ। हरसदानी। वाह वाह पहले आप कोशिश करें। वो तो देख के पूछ रहा था ना। हां ये आदि बगैर याद करके हम मेंटल लेवल में मेंटल लेवल है बिल्कुल। हिंट नहीं देता मैं। आई एम नॉट अ किड। दे दे नॉट अ हिंटर। इट्स अ नेक्स्ट लेवल गेम। तो चलें मैं अपना फैजान से बोलती हूं। फैजान हरसदानी। हाउ अबाउट यू टेक हरसदानी फॉर द टीम। हरसदानी का मतलब होता है कि जो आपके मोहल्ले वाले होते हैं उसमें जो एक मोहल्लेदारी को हरसदानी कहते हैं। वेरी गुड। ये देख इतना सिंपल था। 1 पॉइंट सिंपल नहीं था बहुत कम लोग वाले वर्ड्स बताते हैं। अगला अब मैं तीन चार पूछना। तीन पूछूंगा एक हो गया। अच्छा हरसदानी का जुमला तो बना दो। आप बनाएंगे ना। मैंने तो बता दिया मोहल्लेदारी। हाँ। भाई मेरे अपने क्या कहते हैं उसको नहीं उन कोमल से ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको मुझसे। हाँ। वहाँ भी बातें कर रहे हैं ना। अच्छा मेरे अपने एरिया में बहुत अच्छी हरसदानी है। हाँ ठीक है अगला जुमला। हाँ मलवियत। अल्लाह मलवियत क्या हुआ ये तुमने कहाँ पढ़ लिया ये तुमने कहाँ से ये तो चीटिंग है। चीटिंग से बगैर कुछ देके बोल रहा हूँ याद करके आया मुश्किल वाले मलवियत। आप अगर गौर से सुने तो एक और वर्ड से बहुत मिलता है और उसी का ऑपोजिट है बेसिकली। मलवियत वैल्यू को तो नहीं कहते। नहीं नहीं मलवियत ये अक्सर सुना होगा। ये अक्सर ना जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो ये यूज करते हैं मलवियत। नहीं नहीं काफी लोग यूज करते हैं उनका काम ऐसे है ना। नहीं नहीं, नहीं? रेंटल। रेंटल मिल्कियत होती है ओनरशिप और रेंटल होता है मलवियत। अच्छा अब आ गया आखिरी जुमला। इट्स द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंचुरी। आसान पूछो बहुत मुश्किल है। मरियाना। मरियाना मरियाना उसको कहते हैं वो जो एरिया को कहते हैं एरिया की करीबरी में। आप करीबरी में मरियाना स्टोर ज़हन में रखें। स्टोर स्टोर जी, स्टोर जी। एरिया को कहते हैं ना मुझे नहीं, एरिया से कुछ आ रहा है वैसा ही होता है लेकिन एरिया नहीं होता वो मरियाना स्टोर। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ स्टोर स्टोर। 5 4 3 2 बहुत आसान है। 1 फैजान मेडिकल स्टोर को कहते हैं मरियाना। जैसे किराना स्टोर होता है ना नॉर्मल ग्रोसरी का वैसे मेडिकल स्टोर होता है। ये सारे वर्ड्स हैं क्लासिक उर्दू के। उफ अल्लाह आपने पहले सुने थे कभी। नहीं सुने होंगे लेकिन समझ नहीं। क्या बात है आदि भाई ये तो बहुत ही मैं हैरान हूँ आपसे ये सुन के। जी जी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपको इतनी उर्दू आती है। वैसे आपने सुने थे मैंने जो वर्ड इसके बारे तो सुने होंगे। ये सारे सुने थे लेकिन बस मतलब नहीं पता था। ये अच्छी बात है। अच्छा जी मुझे पता है कभी आपने सोचा कि आप इतनी अच्छी बिजनेस वुमन हैं प्रोडक्शन करें अपनी। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं क्यों। क्योंकि मैं इतनी अच्छी बिजनेस वुमन हूँ। व्हाट एन आंसर। एवरी प्रोडक्शन एक और प्रोमो का जवाब। प्रोडक्शन हाउस इज अ लूजर। क्या मुझे शौक है कि मेरे चेक डिले होते रहे। मुझे पैसे नहीं आपके डिले नहीं होंगे आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा तो अगर हम आपको बोलेंगे आपके दुनिया के सारे पैसे हैं ठीक है और आपने एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है और करनी है और आप उसमें किसी को भी कास्ट कर सकती हैं किसी को भी बुला सकती हैं हम आपको कुछ रोल्स देंगे आपने उसमें लोगों को कास्ट करना पूरी दुनिया में पूरी दुनिया से कास्ट कर सकती हैं पैसों की कोई कमी नहीं है ठीक है जी। तो उसमें दो हीरोइंस हैं दो हीरोज हैं एक विलन है और एक हीरो की माँ है। ये 6 लोग आपने कास्ट करने हैं फिर आपने हमें कहानी भी बतानी है मतलब कहानी का नाम बताना है और डायरेक्टर बताना है। चलें शुरू हो जाएं। पहली 2 हीरोइंस कौन होंगी बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पाकिस्तान से ही लूं। वेरी गुड आई लाइक यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी यमुना ज़ैदी हो गई एक और दूसरी होगी सबा कमर। सबा कमर यमुना ज़ैदी सबा कमर 2 हीरो। हीरो पे मुश्किल है। बिलाल अब्बास एक। बिलाल अब्बास एक। बिलाल अब्बास और यमुना ज़ैदी हो गई और कौन दूसरा सबा कमर है ना। तो दूसरा सबा कमर नहीं है दूसरी सबा दूसरी सबा कमर भी हो गई। अच्छा खुद ही कास्ट हो रही आप। नहीं ना ये तो बड़ी बात है ना। शी इज बिजी विद वर्क। नहीं बड़ी बात है वरना प्रोड्यूसर तो अक्सर खुद ही को कास्ट कर लेते हैं। आगे बताइए। अच्छा दूसरा लड़का बड़ा मुश्किल है। तो लड़का मुश्किल है। अरे इतने सारे एक्टर्स हैं इतने अच्छे अच्छे ऐसा जो आप बोले ये रखूंगा। अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर अब मैं आपको तो यहाँ पे आपसे एक मिनट के लिए
वो चाहूंगा कि आप पॉज ले लें। समीर भाई आपकी इतनी तारीफ की शुरू में उन्होंने, इतने आप सीनियर एक्टर हैं, इतने आप अच्छे एक्टर हैं, कास्ट अहमद अली अकबर और बिलाल अब्बास हो गए। समीर भाई, छोड़ दे। अच्छा जी, तो सबा गमर, यमुना जैदी, अहमद अली अकबर और बिलाल अब्बास, ठीक है। विलन कौन होगा? विलन चाहती हूँ मैं बाहर से ले लूँ। नाउ इट्स इंग्लिश। जोकर नहीं है? जोकर लेकिन नहीं, वॉक इन फीनिक्स हीरो की माँ, हाँ, आलू की माँ, मटर की माँ, आप बताएं। हीरो की माँ बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, वेरी गुड। नो फीनिक्स की माँ अच्छा जी, तो बिलाल अब्बास वॉक इन फीनिक्स और क्या कहते हैं, गोरे हमेशा जो है वो जो विलन होता है उसमें पाकिस्तानियों को देते हैं टेररिस्ट बना सकते, तो हम उनको बनाएंगे, उनको गोरे को नहीं बना सकते क्या? समी भाई फिर भी आप नहीं हो सके, सॉरी मेरी लॉजिक देखें आप। जी जी, अहमद अली अकबर, बिलाल अब्बास और वॉक इन फीनिक्स एक साथ, उनके साथ मौजूद है सबा कमर, यमुना जैदी और बुशरा अंसारी। जबरदस्त कास्ट है आपके पास, उसमें एक बच्चा भी है। हाँ, बच्चा कौन होगा? छोटा बच्चा। बच्चा तो वही है ना, वो जो शो वाला है हमारा। अच्छा, अहमद शाह। अहमद शाह, ऑल राइट। फिल्म का नाम क्या होगा? नाम डिसाइड कर लेंगे। नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा आपको। इसका क्या एक और शो भी होगा? नाम बताए भी, कुछ भी जहन में आता हो यार, मेरी कहानी का नाम ये हो, लोमड़ी। माशाल्लाह, कुछ भी, इतना इंटेलिजेंट जवाब चल रहे थे, एंड में लोमड़ी आई है ना, सारी गेम खत्म कर दी। इसमें लोमड़ी पता कौन है? वो फीनिक्स, वॉक इन फीनिक्स लोमड़ी है। पहले जोकर था लोमड़ी, याद है कि खुद चीता बनी हुई है, लेकिन लोमड़ी चुना है। डायरेक्ट कौन करेगा इस फिल्म को? डायरेक्शन तो बड़ा मुश्किल, ठीक है। काम किया, आप डायरेक्शन भी कर सकते थे, लेकिन कमाल खान आपकी जगह ही नहीं बन रही बॉस। बड़ी कोशिश की हमने, आप बड़ी शेवे करा के आ रहे हो जगह, लेकिन बात नहीं बन पा रही। शूट कहाँ होगी ये फिल्म? शूट पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न एरिया, वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी। फिल्म का नाम होगा लोमड़ी। अल्लाह खैर ही करे, अजीब सा लगा। वॉक इन फीनिक्स इन टाइटल है ये, वॉक इन फीनिक्स इन एंड एज लोमड़ी, वेरी गुड नेम। हाँ, लोमड़ी लोमड़ी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो आदि भाई ने तीन वर्ड्स बताए थे एंड में, ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो सिर्फ उन्होंने बताए थे, जो आपने कहा मैंने सुने भी हैं कहीं, पता नहीं आपने कहा सुने थे। यार किसी को ऐसा लगता है जैसे ना कि सुने होंगे। आदि भाई बहुत अच्छा, वेल डन, वो वाले दे लेंगे। लेकिन आप, हमें अच्छा लगा आपने कहा ना, हाँ मैंने सुने हैं, लेकिन मुझे मतलब नहीं पता। सुने सुने लग रहे हैं। इट्स ऑल राइट। अच्छा जी, आपके साथ खेलेंगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपने एक्सप्लेन करना है कि ये कहाँ पे हैं, आपको याद भी है, कब की हैं। लाइए जी पिक्चर्स दिखाएं। पहली पिक्चर, अरे ये तो मुझे काफी पुरानी पिक्चर है। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है लाइफ का। ये कौन अच्छा? कौन है जी? और ये आपके साथ कौन है? आदला खान। आदला खान है, ओके। ये आपने कोई फिल्टर लगाया हुआ है जी? जी है ना, हवाई का। इनमें से आप कौन सी हैं? अरे क्या हो गया, येलो वाली? अब इतना भी नहीं हो रहा भाई, इतना नहीं, बहुत फर्क है भाई। नहीं, चश्मे लगवाओ इसे। हां, तो दोनों ही आप नहीं लग रहे। चश्मे, इसका ऑपरेशन हुआ है आंखों का, उस पे ये हाल है। फिर भी चले जी, अगली तस्वीर। हाँ, इसमें लग रही हैं आप। हाँ, ये कहाँ था? कुछ याद है कहाँ पे? ये सैन फ्रांसिस्को में है। ओके, और क्या खा रही हैं आप? पास्ता। तो ये ऊपर क्या देख रही हैं मुंह खोल के? यार ये वो है ना, क्योंकि स्ट्रेट अच्छी नहीं आ रही थी पिक्चर, तो मैंने कहा यूं करके ले देते हैं। अच्छा, पोज फौरन पोज कर लिया। अच्छा जी, आगे चलें। वाह जी वाह, ये कौन है आपके साथ? ये है मेरी कजन रहमा सलीम। ओके, और मैं उनके घर पे ईद पर हूँ। अरे किसी बदतमीजी पे हंस रहे होंगे आप दोनों, कजन है ना। ये किसने किसको लतीफा सुनाया है? लतीफा हम दोनों ने एक दूसरे को सुनाया। अच्छा, था। नहीं नहीं, ये आपने भी कवर किया है। ये कोई वाकई आदि नहीं, जिस तरह से क्या कोई शरारत हो रही है। हाँ, अच्छा जी आगे चलें। ओए होए होए होए, ये मेरे पापा हैं। तस्वीर देखिए, ये मेरे पापा हैं। हमें हमें और ये मैं हूँ। ये वेरी गुड। मैं शायद 6 महीने की हूँ उसमें। अच्छा, मुझे ऐसा लगा है गाड़ियों का शोरूम है शायद। अच्छा, वक्त क्लियर कर दिया कि पापा ने। यार घर सही है, अल्टीमेट था ये। ये मेरे पापा हैं। और ये जो मेरे बाल हैं, ये मेरी अम्मी ने काटे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे टेढ़े मेढ़े कटे हैं। इस पे रो रही है आपकी अम्मी ने बाल काटे।
मटका रख के चले अगली बार। ये मेरे पापा प्याला रख के घाटे, ये मेरे पापा है, आगे चले जी। ओए होए काम काम चल रहा है जी। ये मैं हूँ और ये मेरा ऑफिस है और ये काम चल रहा है। काम चल रहा है। ऑफिस किधर है? शारे फैसल। वेरी नाइस। तो वैसे ऑफिस को कितना टाइम देती हैं आप और डेली जाती हैं ऑफिस? डेली डेली ऑफिस जाती हैं। आजकल हम स्केल कर रहे हैं बिजनेस को तो मुझे डेली वहाँ वाले लोग हैं। सलाम अलैकुम मैम। बिल्कुल भी नहीं नहीं है। चल आगे। वेरी गुड। ठीक है जी आगे चलें। ये लाहौर में है क्योंकि हील वाले जूते पहनना बहुत मुश्किल होता है। कभी पहन के देखे आपने? नंगे पैर। अल्लाह ना करे हम पहने। अच्छा तो जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ती हाथ में ले घूमते जी? तो इतनी जरूरत ही क्या अजियतनाक चीज पहनने की? ये फैशन है ना आप लोगों ने बनाया हुआ है। हमने कहा बनाया हुआ है? आप ही लोगों को पसंद है ये लड़कियां? हम तो खुद देखें आप कितने आसान जूते पहनते हैं। आपको ऐसे पहनते हैं? हमें ऐसे पहनाते हैं। मेरे को हील पे जाम ही डालो, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद। चले आगे चले। अरे ये रिसेंट है, ये तब की जब मैंने आप लोगों से कहा था मैं डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज्यादा काम करी थी। डिप्रेशन में? डिप्रेशन में आप चाय रख के सोते हुए सेल्फी भी ले लिया आपने? नहीं सामने स्क्रिप्ट भी रखी हुई है। हाँ जी। तो ये सेट पे ऐसा सेट पे आके ऐसा माहौल हो जाता है कभी कभी। आप थक जाते हो, आप चाय मंगवा के भूल जाते हो। बहुत ज्यादा आप चाय मंगवा के भूल जाते हो और आप सो जाते हो। पिक्चर आपने खुद ली है? शायद, ये याद नहीं है। लग नहीं रहा मुझे वैसे। किसी और ने ली होगी। आगे चलें। अरे आपका कुत्ता बिल्ली। बिल्ली है? बिल्ली है, नजर नहीं आ रहा। बिल्ली है भाई। बिल्ली है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फीलिक्स। फीलिक्स? फीलिक्स क्या मतलब होता है इसका? फीलिक्स एक कैरेक्टर है ना कार्टून का। फीलिक्स एक कैरेक्टर है। आगे चलें जी। अरे वाह, ये फीलिक्स की अम्मा है। फीलिक्स की अम्मी है? फीलिक्स का पूरा खानदान। इनका नाम है साइमन। साइमन माँ का नाम? माँ का नाम साइमन रख दिया। हमारा नाम सिद्रा रख दूं मैं आज से? सिद्रा। इट वाज अ जोक बट अब इसका नाम साइमन। कैरी इट वाज अ जोक। इट वाज अ जोक। पूरा खानदान खराब कर दिया उनका जोक कर। चले आगे चले भाई। अरे नाइस। सालगिरह का केक जी। सालगिरह का केक मेरे घर पे। किसने लाया? कौन लाया था ये आपके लिए? मैं खुद लाई थी अपने लिए। बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट। और ये बोलते हुए आपका आंसू भी गिरना चाहिए कि मैं बहुत अकेली हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अगली तस्वीर दिखाएं। वैसे केक शेक खाती हैं? अरे ये कब हुआ? हां है क्या मतलब? ऐसी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है चांद निकल रहा है रात में से। रात में से? ये 5 साल पुरानी 5 साल पुरानी तस्वीर है। बहुत प्यारी लग रही है। वेरी, ये किसी शूट वगैरह की तस्वीर है। जी जी। देखें ये देखें, इतना मुश्किल होता है काम। गर्मियों में बुरके पहन के काम करना पड़ता है। हाँ। वो भी आउटडोर्स में। इसमें क्या ना पंखा ना एसी। ठीक है जी। वेरी गुड, जबरदस्त। आपको तो काफी चीजें याद हैं। फीलिक्स साइमन सब याद थे आपको। आदि भाई आपको चीजें याद रहती हैं? मुझे अक्सर चीजें याद रहती है लेकिन जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो मुझे चीजें नहीं याद रहती। तकलीफ में ही तो चीजें याद रखनी पड़ती हैं आदमी। मुझे तकलीफ में सिर्फ अल्लाह मियां याद है। ओ यार मेरी किताब आ रही है, जरूर खरीदेगा 2500 रुपए की। किताब का नाम क्या आपकी? तकलीफ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी तकलीफ आ रही है, आप देखिएगा। लेकिन थैंक यू सो मच कोमल, आपने बहुत सारा टाइम दिया। ग्रेट फॉर हैविंग यू। थैंक यू। तो जाने से पहले आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। मैं कहूँगी कि आप सब लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और उससे लगता होगा कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है सबकी लाइफ अच्छी है। हमारे पास सेहत है, नौकरी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। तो सोशल मीडिया को देखकर ये ना समझें कि हर कोई बहुत खुश है, और जैसा सोशल मीडिया पर दिख रहा है वैसा 90% नहीं होता है। तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वेरी गुड। आदि भाई मैं मैसेज नहीं दूंगा। मैंने एक नई चीज़ शुरू की है और मैं चाहता हूँ वो सब ये करें, इससे कुछ होता नहीं। जितने भी लोग पैसे कमाते हैं, जितने भी लोग, वो चाहे 8,000 हो, 10 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, आपने एक काम करना है, एक आदत बनानी है। मैंने बना ली है। वो आदत ये कि आपने रोज एक बंदे को खाना खिलाना है। एक, मैं ये नहीं कह रहा आप 10 को खिलाएं, 50 आप लाइनें लगाएं घर के बाहर, कुछ नहीं करें। आप एक आदत बनाए, रोज एक बंदे को आपने खाना खिलाना है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी सारी जिंदगी, सारी मुसीबतें खुद से हल हो जाएंगी, आपको पता भी चलेगा। वेरी गुड। आदि भाई ने ट्राई एंड टेस्ट किया मेरे ख्याल से, तभी कह रहे हैं कि आप ये करते रहे। बड़ा अच्छा तरीका है वैसे, अगर आप किसी को खाना खिलाएं बड़ा सवाब भी है, और यकीनन इस तरह के लोग आपको मिल भी जाते हैं। और जब आप रोज किसी एक को खाना खिलाएंगे ना तो आपका दिल खुद कहेगा कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस लायक हूँ कि खुद खा रहा हूँ और किसी को खिला रहा हूँ। वेल डन, गुड जॉब आदि भाई। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काशी भाई आप हमें क्या सुनाएंगे जी? बहुत ही प्यारा गीत। क्या है? प्यारा गीत। बहुत ही प्यारा गीत। जैसे कि आपने कहा था कि सैड सॉन्ग आपको सैड सॉन्ग। जाने से पहले आप बैठे हैं बालन पे मेरी, आप बैठे हैं बालन पे मेरी,
का जोर चलता नहीं है। अब बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। बरात मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, ये अदा ये नजाकत बरात मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं। आदाब, मैं हूँ कैफ गजनवी और मैं आ रही हूँ मजेदार शो पे आदि और फैजान के साथ, ओनली ऑन टीवी वन, डोंट मिस इट। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।